गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है खुश रहने के तरीके, बस करने होंगे ये आसान काम। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान गीता में सम्मिलित है, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। आज के इस भाग दौड़ वाले समय में व्यक्ति प्रसन्न रहना भूलता जा रहा है। ऐसे में आज आपको गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। गीता का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। भागवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुख से उभारने का तरीका भी सिखलाती है। कि माना जाता है कि जो व्यक्ति रोजाना गीता का पाठ करना है, वह जीवन की अन्य समस्याओं से बच सकता है। साथ ही उनके नियमित पाठ से मानसिक शक्ति का अनुभव होता है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य को सही राह पर चलने का उपदेश देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले आलोचनाओं से दूर रहना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी किसी की आलोचना ना करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, यही खुश रहने का मूल मंत्र है। अगर आपकी बात बात पर शिकायत करने की आदत है तो यह आदत भी आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप अतीत को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसके बारे में सोचते रहने का अर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई और नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं पर आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, वह मन में पैदा होने वाले विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रह सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करती है, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवा मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला मूर्ख
क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगीत में मनुष्य अपने कर्मों से प्राप्त पड़ता है, कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत सिखाती है, जीवन में कैसे जीना है ये भगवद गीता सिखाती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, जिसमें तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करेंगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर छुपती हुई चीज का मकसद बुरा नहीं होता। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। डर का सामना डट कर करो, अर्थात मन में कभी हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ते रहो। यह संसार दुख का कारण नहीं है, क्योंकि और लोग भी हैं जो इसी संसार में रहते हुए खुश हैं। हमारी अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे हों फिर भी साथ छोड़ जाते हैं। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा में मुक्त हो जाता है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। गीता में लिखा है जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।